तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा कि कैपेसिटर का जो ग्रुपिंग होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कैसा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक प्लेट के बाद दूसरा प्लेट, दूसरा प्लेट के बाद तीसरा प्लेट, तीसरा प्लेट के बाद चौथा प्लेट, और यानी आप कह सकते हैं पहला कैपेसिटर का दूसरा प्लेट, दूसरा कैपेसिटर का पहला प्लेट से दूसरा प्लेट का, दूसरा कैपेसिटर का दूसरा प्लेट तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ा होता है, तो उसको कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आप लोगों को बता चुका हूं कि सभी प्लेट, सभी कैपेसिटर का जो फर्स्ट प्लेट होता है एक पॉइंट पर कनेक्ट होता है, और सभी कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट है दूसरा प्लेट पर अगर कनेक्ट है तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने फार्मूला डिराइव किया था। सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला होता है, अगर तीन कैपेसिटर हो या दो कैपेसिटर हो तो उसका जनरल फार्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/CN। किसके लिए? ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। जबकि समांतर क्रम में हमने संयोजन में फार्मूला निकाला था C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN, जहां पर CN जो है nवां कैपेसिटर का धारिता है। तो यहां पर जो फार्मूला हमने डिराइव किया था उसमें हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है लेकिन सब कैपेसिटर में चार्ज क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी आधार पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो चलिए इसी का हम एप्लीकेशन और इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर एक कैपेसिटर है जिसमें पहला प्लेट है, ऊपर वाला एक प्लेट है, दूसरा वाला प्लेट है। अगर हम इसके सीरीज में कोई दूसरा दो कैपेसिटर सीरीज में जोड़ना चाहते हैं तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये कैपेसिटर का पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये इसका दूसरा इसके पहले से जुड़ा है, इसका दूसरा इसके पहले से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के अगर दो कैपेसिटर है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। यदि हमारे पास दो के जगह पर तीन कैपेसिटर है तो देखिए इस प्रकार जुड़ा होगा जो हम देख पा रहे हैं यहां पर, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, सबका वैल्यू ये C1 है, C2 है और C3 है। चलिए इसका हम एक डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है सबका वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है, इसका वैल्यू भी 1 माइक्रोफेरेड है, 1 × 10⁻³ है, ये भी है 1.00 × 10⁻³ है 1। अब अगर हम इसके जो टोटल कैपेसिटेंस देखिए, देखिए सबका वैल्यू 1 1 है तो इसका जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो देखिए कितना होता है, 0.33 × 10⁻³ फैरड कैपेसिटेंस। मतलब जब हमने सीरीज में जोड़ा तो उसके कैपेसिटेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के फॉर्म में हमने यहां पर डिराइव किया। अब देखिए अगर इस कैपेसिटेंस सबके वैल्यू को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस पहले का जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, देखिए ये 1.7 इसको और बढ़ाते हैं है ना, और 2 देखिए हमने मान लीजिए इसको 3 कर दिए, इसके वैल्यू को बढ़ा दिए, इसके वैल्यू को भी बढ़ा दिए, देखिए इसके वैल्यू भी बढ़ा दिए है ना, 3 × 10⁻³ है ना, इसका भी वैल्यू बढ़ा दिए, इसका भी वैल्यू हमने बढ़ा दिया। जब तीनों का वैल्यू को हमने बढ़ा दिया, देखिए 3 × 10⁻³ - 13 फैरड है, 3 × 10⁻³ - 13, 3 × 10⁻³ - 13। जब तीनों कैपेसिटर है तीनों का वैल्यू 333 है तो उसका वैल्यू 1 × 10⁻³ - 13 फैरड है। मतलब तीन तीन का अगर ये करेंगे तो उसका वैल्यू जो हो रहा है 1 यहाँ पर मिल रहा है। आप चाहे तो इसको तीन के जगह पर मान लीजिए आप दो कैपेसिटर करना चाहते हैं जिसका वैल्यू, इसका भी वैल्यू 3 हो और इसका भी वैल्यू 3 हो मान लीजिए, और हम दो कैपेसिटर करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 और 1 दोनों को किए तो 0.5 आ गया, 1 × 10⁻³, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 1 है 1 है 1 है,
सॉरी वन है और ये वन है, वन और वन को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो 0.5 हो जाता है। अगर हम दोनों को एक का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर टू कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2.4 है, देखिए 2.4 है और ये 1 है, जब दोनों को जोड़ते हैं 0.71, मतलब सीरीज में जोड़ने पर उसका वैल्यू जो है यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो चाहे तो आप 2 का कर सकते हैं या 3 का वैल्यू भी कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला से, 1/C = 1/C1 + 1/C2, अगर 2 है, 3 है तो + 1/C3, सबका वैल्यू रखेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है वो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगा। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हम अगर पैरेलल जोड़ना चाहते हैं, पैरेलल जोड़ना चाहते हैं दो कैपेसिटर को, मान लीजिए पैरेलल जोड़ना चाहते हैं। देखिए जब हमने पैरेलल जोड़ा तो देखिए इस ये भी पहला कैपेसिटर, इसका पहला प्लेट धन सिरे से, इसका भी पहला प्लेट जो है धन सिरे से जुड़ा है, इसका दूसरा सिरा धन ऋण सिरे से, इसका भी दूसरा जो प्लेट है वो भी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है। दैट मींस फर्स्ट प्लेट सभी के लिए कॉमन है, सभी कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव से जुड़ा है और सभी कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट है बैटरी के ऋण जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे जुड़ा हुआ है। अगर हम तीन पैर ले ले, मान लीजिए तीन ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, पांच ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। तो अगर हम तीन ले तो देखिए यहां पर C1, C2 और C3 तीन है कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटर का वैल्यू क्या है, 1, 1, 1, 1, 10^-13 जो है वो कॉमन है। जब देखिए तीनों का वैल्यू 1, 1, 1 है तो उसका रिजल्ट ये वाला जो है आपको रिजल्टेंट बता रहा है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो है 3×10^-13 फैराडे यहाँ पर आपको मिल रहा है। मतलब जब आप वैल्यू को बढ़ाना हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाना हो तो कैपेसिटर को आप पैरेलल में जोड़िए, जब आप पैरेलल में जोड़ेंगे तभी आपका वैल्यू जो है मैक्सिमम आएगा। तो यहां पर देखिए अगर इस वैल्यू को हम चेंज करते हैं, मान लीजिए ये पहला वाला देखिए यहां पर ले आते हैं, इसके वैल्यू को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो इंक्रीज करने के लिए क्या किए, देखिए दोनों प्लेट जब पास पास में आया तो निश्चित रूप से उसके कैपेसिटेंस यहां पर बढ़ गया, 2.5 आ गया और ये 1 है और ये 1 है, 2.5 1 1 1 1 2 2 -4.5, देखिए ये 4.5 इसका वैल्यू आ गया। अगर इसके वैल्यू को हम इसके वैल्यू को भी चेंज करें, देखिए यहाँ 2.1 है, 2.1 कोई भी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। इसको करने के लिए क्या किए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हमने कम किया तो ये कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज हो गया, तो देखिए इसका वैल्यू जो है ये 2.5 है, 2.1 है, दैट इज 4.6 + 1, दैट इज 5.6। अगर हम इसके वैल्यू को ये चेंज करें, मान लीजिए इसका वैल्यू हम चेंज करके जो है बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 3 कर देते, तो 3 2.1 2.5, इस प्रकार जो है 7.6×10^-13 फैराड यहां पर आपको कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस मिल रहा है। तो इस प्रकार जो है आप सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है उसका वैल्यू आपने देखा। जनरली जो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल आप लोगों को मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डायरेक्ट जुड़ता है जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल फॉर्म में जुड़ता है। तो अब चलते हैं हम मिक्स कॉम्बिनेशन में। मिक्स कॉम्बिनेशन के लिए मान लीजिए दो सीरीज में हो और एक पैरेलल में आपको लेना हो, तो इस प्रकार की एक सर्किट हम लेते हैं। देखिए ये देखिए ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये पैरेलल में है। अगर मान लीजिए यहां पर 1 और 1 है तो इसको सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, 1 और 1 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और ये 1, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। पहले इन दोनों को जैसे हम लोग मैथ्स में फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको पहले सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करके आप एक रखेंगे, तो 0.1 1 और 1 इनका जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.5 और ये 1, तो इस प्रकार 1.5 इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आपको मिलेगा। मतलब रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस है इसके वैल्यू जो है आप देख पा रहे हैं यहां पर 1.5, ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है। अब अगर हम इसके जगह पर मान लीजिए दो पैरेलल में हो और उसके साथ एक सीरीज में हो,
तो अगर हम इस प्रकार का कोई सिंपल ले ले, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो दो पैरेलल है C1 और C2, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वन है, ये भी वन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू, टू के टू और वन, ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो वन बाई टू प्लस वन बाई वन, टू एलसीएम, टू प्लस वन थ्री, थ्री दैट मीन्स टू बाई थ्री, उसको फिर थ्री बाई टू को फिर ऐसे पुकल करेंगे तो टू बाई थ्री, टू बाई थ्री मतलब 0.6666 इस प्रकार आएगा, तो उसको आप 0.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 फैराड आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आपको सॉल्व करते जाना है, जिस प्रकार आप फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं वैसे आपको सॉल्व करते जाना है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो के माध्यम से जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कैपेसिटेंस जो वेरी करता है वो किस पर डिपेंड होता है, वो चीज भी आपको मैंने बताने की यहाँ पर कोशिश की है। देखिए ये जो प्लेट है, मान लीजिए इसके वैल्यू को आप बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे ही आप बढ़ाएंगे, देखिए इसमें हम बढ़ा रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए इसके वैल्यू को बढ़ाना है तो मान लीजिए इसके वैल्यू को बढ़ाना, तो बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, दोनों प्लेट को पास लाए। जब दोनों प्लेट को पास लाते हैं तो क्या होता है, उसके कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि फार्मूला है C is equal to K epsilon 0 A upon D, तो D मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम कम करते हैं तो उसके कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल